बारिश न होने की वजह से गया जिला सुखाड़ की चपेट में है। धान की रोपाई न के बराबर हुई है। इसे लेकर किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। इसे लेकर सरकार ने किसानों की मदद के लिए सकारात्मक पहल की है। सरकार के द्वारा किसानों के बीच मुफ्त में मक्के की बीज बांटी जा रही है। इसी क्रम में जिला के बोधगया प्रखंड के किसान पंचायत भवन के प्रांगण में किसानों के बीच जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा मक्के की बीज का वितरण किया गया, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिले में बारिश बहुत कम हुई है, जिस कारण सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। इसे लेकर सरकार के द्वारा गया जिले में 960 क्विंटल बीज का वितरण किया जाना है, जो गया जिला के विभिन्न प्रखंडों में किया जाएगा। हम लोग खाली पड़े भूखंड को चिन्हित कर किसानों के बीज का वितरण कर रहे हैं। खासकर धान की रोपनी न होने की वजह से गेहूं, सरसों, मक्का सहित अन्य बीज का वितरण किया जा रहा है, जो हाइब्रिड बीज है। इससे किसानों को काफी मदद मिलेगी और ये फसल उपजा सकेंगे। आज बोधगया प्रखंड के दो पंचायत क्रम बसाढ़ी और बकरौर प्रखंड में बीज का वितरण किया गया है। वही मौके पर मौजूद किसान बिंदेश्वरी यादव ने कहा कि मक्के के बीज का वितरण हम लोगों के बीच किया गया है, इसमें हमें काफ़ी खुशी है। बारिश कम होने की वजह से धान की रोपनी नहीं हो पाई थी, इससे ऐसे में मक्के का बीज मिलने से हम लोग इसकी खेती कर सकेंगे। हमें उम्मीद है कि इसका मुनाफा भी काफ़ी होगा। जो किसान यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग उन्हें भी जागरूक करेंगे कि मक्के का बीज लेकर खेती करें। हमारे पंचायत का सैकड़ों एकड़ भूमि परती पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कोई फसल नहीं हो पाई। विषय में हम अधिकारियों और स्थानीय मंत्री का धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हम लोगों के लिए सकारात्मक पहल की है। हम लोग को बीज निःशुल्क बीज का वितरण किया गया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं गया जिला के कृषि पदाधिकारी अजय कुमार सिंह और वही स्थानीय किसान बिंदेश्वरी यादव की, दोनों को बातों को सुनवाते हैं। आज पूरे मतलब हमारा जो गया जिला है, ये गया जिला अभी सुखाड़ का जो फल सृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति पैदा हुई है, तो उसके चलते 960 क्विंटल बीज हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है पूरे गया जिले को, और सभी प्रखंडों में हम लोगों ने दिया है कि क्लस्टर में जो बड़ा क्लस्टर हो सकता है 50 हेक्टेयर का हो सकता है, 50 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर का हो सकता है, 10 हेक्टेयर जितना एरिया खाली होगा वहाँ पे हम लोगों को खरीफ फसल मतलब धान का फसल जो नहीं लग सका है उसको प्रतिपूर्ति करने के लिए उतना एरिया हमारा कवरेज हो सकता है। इसके लिए ये किस तरह का बीज दिया गया, ये हाइब्रिड बीज है और कम दिनों का वेराइटी है, 90 से 100 दिनों का वेराइटी है, क्योंकि हमारा रबी का फसल जो है उसके बाद फसल रबी में, तो इसके बाद आप चना भी ले सकते हैं, मसूर भी ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं, राई सरसों भी ले सकते हैं, जो भी फसल जो रबी में इनका होगा वो तैयार होगा। आज तीन पंचायत के आज गाफाकोट पंचायत और कोतरौर किसानों को दिया गया, अजय कुमार सिंह जिला कृषि पदाधिकारी। किसानों को बहुत खुशी है कि आज मक्का का बीज मिला और इसका उपयोग हम लोग करेंगे खेत में, और जहां धान नहीं रोपाया है वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा कामयाबी होगा ये। और ये हल्का बीज, सर बोल रहे हैं कि हल्का बीज है, एकदम लगाएंगे लोग और इससे मुनाफा फायदा होगा किसानों को। और हम लोग बहुत खुशी में हैं कि धान नहीं रोपाया तो उतना असर नहीं आवा है, जब धान मकई हम लोग बीज बो रहे हैं, बीज से मकई के दान पैदा होने से हम लोग को तुरंत खेत से बिक जाता है बाल ले, और तो उसका जो जनाती होता है हरा चारा जानवर के खिलाने के काम में आता है, दो दो फायदा है। इसलिए मकई हम किसानों को आंख मूंद करके लगाना चाहिए, और जो भी किसान नहीं आए हैं उन लोग को हम लोग प्रेरित करेंगे और कहेंगे कि इसको बीज बोइए। अभी दो पंचायत एकदम निराकाल है सर, धान नहीं रोपाया एक बार नहीं, ये बगल में है मोरत बापा और कनौर पंचायत देखने का, हाँ बसाड़ी में गौर बीघा में 100 एकड़ देखने का है, 100 एकड़ में मकई लगेगा देखते बनेगा, उसी रोड से इटमा का रास्ता है जाते पदाधिकारी भी देखेंगे कि हाँ ये मक्का का फसल अच्छा है, और किसान भी अब प्रोत्साहित होगा। हमारे मंत्री जी का क्षेत्र है सरजीत कुमार का, वो भी जाया करते हैं देखते हैं, और उनका भी बहुत बहुत शुभकामना है कि हम लोग को इस तरह का बीज दिला रहे हैं, हम लोग को भी किसानों को बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा, बहुत बहुत ज़्यादा। और इसके लिए हमारे मनोज बाबू को बहुत हार्दिक शुभकामना। ये जो बीज मिला है इसका कोई पैसा दिया गया है? नहीं, निःशुल्क पैसा नहीं दिया गया, निःशुल्क हाँ फ्री में दिया गया। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम बिंदेश्वरी यादव है, गाँव का नाम बताइए। गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।